को चूज करने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि एज अ युवा, एज अ यूथ मुझे क्या चाहिए मेरे प्रोफेशन के अंदर, सबसे पहले वो चैलेंजिंग होना चाहिए ताकि मेरी पूरी लाइफ टाइम पर्सनल ग्रोथ होती रहे। और हमारे पास रोज एक नए कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आता है तो हमें रोज नए तरीके से सोचना पड़ता है, तो ये चैलेंजिंग तो है। दूसरा कि हमारे लिए वो होना चाहिए पर्पजफुल प्रोफेशन, और ये पर्पज हमारा है हेल्थ की, अपनी सोसाइटी की हेल्थ को इंक्रीज करना और जितने भी लोग हैं उनको डिजीज फ्री रखना, तो पर्पज इसका बहुत ही ज़्यादा नोबल है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोगों को कंसर्न करती है कि हमारा प्रोफेशन रिवॉर्डिंग होना चाहिए, तो ट्रस्ट मी जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और बहुत सीवियर पेन के साथ आते हैं, जब हम उन्हें ठीक कर देते हैं तो हम उनके आंखों में जो बिलीफ देखते हैं, जो हैप्पीनेस देखते हैं, जो ग्रेटिट्यूड देखते हैं हमारे लिए, उससे बड़ा रिवॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है। और दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर अस। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो ड्रीम प्रोफेशन फिजियोथेरेपी ही है, और आगे आने वाले टाइम में भी हम देखेंगे कि फिजियोथेरेपी के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे, और एक ये बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन और इसे बेस्ट प्रोफेशन ऑफ द कंट्री में काउंट करा जाएगा, जैसे कि फॉरेन कंट्री जैसे यूएस वगैरह में इट इज़ अमंग द टॉप 5।